सीरियल की स्टोरी यही है कि बहुत ही यूनिक स्टोरी है. यहाँ पे सबके सब जो इतने डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव माइंड, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंट कंटेंट. एंड थैंक्स टू एन टी वी कि इन्होंने बहुत एक अच्छा शो वो लोग लेके आ रहे हैं. और लाल इश्क, इश्क का रंग सब बोलते हैं कोई सफ़ेद है कोई लाल है, बट लाल इश्क का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत इंटेंस लव स्टोरी है. और जहाँ प्यार आपको बहुत कुछ देता भी है ना, तो साथ साथ बहुत लाइक जैसे सुपरनेचुरल पावर वो उस आपसे छीन लेता है. अगर प्यार आपको इज्जत देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, तो सुपरनेचुरल पावर वो आपसे सुपरनेचुरल थिंग्स आपसे वो आपको खतरे में डाल देता है. तो यहाँ पर वही देखना है कि प्यार जीतता है या सुपरनैचुरल पावर जीतता है. और या फिर कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया गया कि जहाँ प्यार और सुपरनैचुरल पावर एक हो रहे हैं, लाइक देयर इज अ मैरिज बिटवीन सुपरनैचुरल पावर एंड द लव. सो यहीं पे बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. जहाँ के अगर आप ऐसे थ्रिलर शो देखोगे तो सबको लगेगा कि हॉरर है हॉन्टेड. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स टोटली डिफरेंट. एंड यही यहाँ पे यही चीज़ इसको एक्सक्लूसिव बनाता है. आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर. मैंने अभी अभी जस्ट शूटिंग ख़त्म की है परसों ही, मैंने कल ही कल रात को ही मैंने शूटिंग ख़त्म किया है इसकी. तो मेरे कैरेक्टर का नाम है नित्या. एंड गौरव खन्ना ही इज़ प्लेइंग, वो मेरे ऑपोजिट में प्ले कर रहे हैं. एंड उनका कैरेक्टर ना अविनाश. तो ये दोनों कैसे मिलते हैं और इनके बीच में कैसे वो अमर प्रेम होता है, लाइक प्यार जो इंटेंस लव कैसे होता है, वो दिखाएगा. क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँगी ना कैरेक्टर, क्योंकि नित्या के जो कैरेक्टर है स्टार्ट से एंड तक बहुत ट्विस्ट है, बहुत ट्विस्ट है. सो बहुत शेड्स है. अगर अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा वैसा भी होता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सैटरडे संडे रात 10 बजे ओनली ऑन एन टी वी लाल इश्क. यस आई डू बिलीव देयर इज समथिंग. सी मेरे साथ कुछ ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट नहीं है, बट आई मेरे साथ बहुत पॉजिटिव इंसिडेंट्स हुए हैं. लाइक आई बिलीव इन मिरेकल्स, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन एंजल. सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे व्हेन आई नीड सम पॉजिटिव सपोर्ट और समथिंग, सो समहाउ दैट पावर्स हैज गिव मी दैट सपोर्ट. एंड वो सब चीज़ें मुझे हेल्प किया है. हाँ लाइक व्हेन द टाइम जब मैं मुंबई आई थी, आई वाज लाइक वेरी स्केयर्ड कि आई डोंट नो मैं 3 दिन में कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा एग्जाम्स भी है, मुझे घर पे वापस जाना है, अदरवाइज क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी. सो बस जब शो क्लिक्ड हो गया, दैट्स अ हिंट कि आपको हमेशा ये नहीं चाहिए हवाएं चल रही है या कुछ हो रहा है या कुछ समथिंग. जब आपके लाइफ में कुछ मिरेकल होता है या कुछ अच्छी चीज़ होता है, दैट्स अ गुड थिंग. सो दैट्स व्हाट. थैंक यू.